माय नेम इज के और आप देख रहे हो आर्ट मेनिया। हम लाए हैं आपके लिए ढेर सारी ड्राइंग वीडियोस और कलरिंग ट्यूटोरियल्स और जो होने वाले हैं बहुत ही इजी। तो आज का हमारा टॉपिक है लिविंग रूम प्लस सोफा। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं आपको आज मैं समझाऊंगी बहुत ही इजी मेथड के साथ। तो चलो आप जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाले मार्कर्स, ये नॉर्मल मार्कर्स हैं, आपको कहीं से भी मिल जाएंगे स्टेशनरी से। तो मैं नॉर्मल चीज़ें यूज़ करती हूँ ताकि हर कोई ये यूज़ कर सके और इजीली अवेलेबल हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे सोफ़ा अपना। सबसे पहले दो लाइंस लूँगी मैं, ये दो लाइंस लेके फिर हमने इन लाइंस को आपस में थोड़े से कर्व के साथ मिला देना है, ये ऐसे। ये लाइंस मिल गई। अब इसके बाद हमने दो इसके ऊपर वाली साइड पे दो स्ट्रेट लाइंस ऐसे करके लेनी है, ठीक है। ये दो लाइंस लेने के बाद हमने यहाँ पे इसके मिडल में एक छोटा सा कर्व बनाना है। कर्व बनाने के बाद हमने थोड़ी सी राउंड शेप के साथ इन दोनों को आपस में मिला देना है, ठीक है। ये इजी हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम जी बनाएंगे इसका लोअर पार्ट। अब हम यहाँ से इसको उठाएंगे और राउंड के साथ इसको नीचे लेके आएंगे ऐसे। सेकंड साइड पे भी हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे स्ट्रेट नीचे लेके आना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये लाइंस आ गई, अब हमने इनको आपस में मिला देना है, ठीक है। ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी ट्रिक है। अच्छा, इसके बाद हमने इसके ऐसे दो इसके पाउंड से बना देना, ठीक है। इसके बाद हमने ये दो बनाने हैं इसकी, इसके बाद अब बारी है हमने इसकी बनानी है विंडो। अब हम इसकी विंडो बनाएंगे। विंडो के लिए सबसे पहले मैं इसकी ग्रिल बनाऊंगी, ठीक है। इसी तरह सेम हम करेंगे, दो लाइंस स्ट्रेट बनाएंगे ऐसे, ठीक है। दो लाइन स्ट्रेट बना के, ठीक है। अब इसकी ना साइडों पे हम खूबसूरती के लिए दो छोटे छोटे ना राउंड्स बना देंगे। राउंड्स बना लिए हमने, ठीक है। अब हमने इसके बनाने हैं कर्टन्स, दो स्ट्रेट लाइंस, और इसी तरह इसके एंड पे भी दो स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब हम ना नीचे इसके जो इसका एंड का पार्ट है, अब हमने इसके नीचे जो इसका एंड का पार्ट है इसके ऊपर ना थोड़ी सी वेव्स बनानी है ऐसे, जैसे कोई भी क्लॉथ होता है या कपड़ा होता है उसकी वेव्स होती है ना, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये बना ली हमने, इसके बाद हमने ना विंडो को कंप्लीट करना है। अब ये लाइन ड्रॉ करनी है और ये, ठीक है, ये विंडो। अच्छा, ये बना के हमने इसके बाद जो है इसके मिडल में दो लाइंस बनानी है और यहाँ से भी दो लाइंस बनानी है नीचे वाली साइड पे, ठीक है। जैसे प्लस का निशान होता है ना ऐसा कुछ बना लेना, ठीक है। ये ठीक है, ये हमारी विंडो बन गई। अब इसके बाद हम ना इसकी ऊपर वाली साइड पे जो सोफे की ऊपर वाली साइड है इसको ज़रा और भी प्यारा बनाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ तक लाएंगे इसको और फिर उसके बाद ऐसे हाफ राउंड लेंगे और ये यूँ बना देंगे इसको नीचे से और छोटा सा इसमें एक बल्ब लगा देंगे। ये हमारा बन गया है जी, ये हमारा बन गया है लैम्प। अब इसके बाद हम बनाएंगे, अब हम इसके बाद बनाएंगे छोटा सा टेबल। इसके लिए भी हम दो लाइंस बनाएंगे, ये इसका सरफेस है तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से यूँ बॉक्स की तरह बनाएंगे,
ये बॉक्स के बाद बनाने के बाद हमने इसके इनर साइड पे भी कुछ ऐसा ही बना देना है, सेम लाइंस ड्रॉ करके डबल लाइंस बना देनी है, ठीक है। ये बना के इसके बाद हम ऐसा करेंगे कि इसके अंदर ना कुछ बुक्स रख देते हैं, ठीक है। दो इस साइड पे भी रख देते हैं मोटी मोटी बुक्स। ये बुक्स आ गई, इसके ऊपर हम बनाएंगे और भी एक क्यूट सा प्लांट बना देंगे, वास बनाएंगे। ये और ये, ठीक है, कैक्टस सा बनाया है मैंने, तो इसके ऊपर थोड़े से हम ना कांटे भी बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा जो लिविंग रूम का सोफ़ा था, अच्छा इसके अंदर हम और प्यारा बनाने के लिए इसको अंदर की साइड पे सोफे को ऐसे ये शेप बनाएंगे अंदर वाली साइड पे। ये हमारा लिविंग रूम और सोफ़ा रेडी है। अब इसके बाद हम इसमें कलर्स करेंगे। सबसे पहले मैं इसके लैंप में कलर कर रही हूँ, लैंप में मैं इसके अंदर ब्लू कलर कर रही हूँ। अभी इसका छोटा सा बल्ब है, इसके अंदर येलो कलर करेंगे। अब मैं इसमें सी ग्रीन कलर कर रही हूँ इसके सोफे में, जो बहुत ही कूल लगेगा और बहुत प्यारा भी। अब इसकी ग्रिल पे मैं ग्रे कलर कर रही हूँ। इसके कर्टन्स में मैं ब्राइट येलो कलर कर रही हूँ। इसको और भी प्यारा करने के लिए मैं इधर छोटे छोटे डॉट्स बना रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसके अंदर फॉरेस्ट ग्रीन कलर इसकी विंडो में कर रही हूँ। कैक्टस के अंदर हम ग्रीन कलर करेंगे, ब्राइट ग्रीन कलर। डार्क ब्राउन कलर जो हम टेबल के अंदर करेंगे, तो मैं इसके अंदर डिफरेंट कलर की बुक्स के कलर्स करूंगी। इसको भी हम कलर कर लेते हैं। सो हियर वी गो, दिस इज कंप्लीट और ये बन चुका है।